सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि जो मेल्स नहीं आ रहे हैं या फिर आपके इंटरव्यू जो परसों 19 तारीख को होने वाला है उसका आपको कोई अपडेट नहीं है। तो गाइस, जो भी अगर मेल्स नहीं आए हैं वो कल तक आपके पास आ जाएंगे, ठीक है? क्योंकि वो डिपार्टमेंट बेस्ड है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट कब आपको वो मेल भेज रहा है, क्योंकि अब जो डाटा है वो एग्ज़ाम सेक्शन क्या करती है कि हर डिपार्टमेंट को दे देता है। तो अब डिपार्टमेंट में आपकी मेल आईडी वगैरह चले गए हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स चले गए हैं, तो वहाँ पर अगर क्या है कि वो अपने हिसाब से मेल करेंगे। अगर किसी को कल करना था तो किसी ने कल भी कर दिया है, किसी के आज गए मेल, किसी डिपार्टमेंट का है कि कल जाने वाला होगा, तो वो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, आपको मेल्स चले जाएंगे। वैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे है तो आपको आने की टिकट या ऐसे कुछ तो करना है नहीं, तो ठीक है। तो मैं अभी इस वीडियो में बेसिकली, बहुत शॉर्ट वीडियो है जो ऑन डिमांड मांगा गया था, बहुत लोगों का था कि कुछ बताया जाए, तो इसमें हम पांच बेसिकली मेन चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं जहाँ से कि आपको गाइस क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है? तो अभी तक मैं, आपने जितना भी कुछ पढ़ा वो ठीक है, लेकिन ये पांच चीज़ें जो बताऊंगा वो आप कल कल में पढ़ सकते हो, ठीक है? वीडियो लेट आ रहा है तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, फिर जो है वो देख लेंगे, थोड़ा टाइम भी नहीं मिल पा रहा है तो इसलिए ये चीज़ें हो रही है। तो देखो, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको इंटरव्यू में पूछी जा सकती है, मान लो अगर इंटरव्यूअर मैं हूँ तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ बच्चों को आना चाहिए। तो फर्स्ट चीज़ तो ये है कि सबसे पहले अगर मैं इंटरव्यूअर हूँ तो मैं आपसे पूछूँगा कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, ठीक है? तो ऑब्वियसली जो आपने एमएससी में डिजर्टेशन किया होगा वो आपका इंटरेस्ट एरिया होता है, लेकिन कभी कभी हम ज़बरदस्ती भी जो है डिजर्टेशन करते हैं ना, कि आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो आपने सोचा ठीक है आप कर लेते हैं, तो वो भी है। लेकिन जो इंटरेस्ट एरिया आपका है वो विथ रिस्पेक्ट टू जो प्रोजेक्ट्स एडवर्टाइज हुए हैं वो उसमें, तो मान के चलो अगर कोई डिपार्टमेंट है जहाँ पे 10 प्रोजेक्ट्स हैं तो उनमें से आपको अभी ही एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? अगर आप ये एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करोगे तो उसके बैकग्राउंड को बिल्कुल आपको खरोच के निकाल लेना है, जितने आपको उसमें से नॉलेज है, जितना भी इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ आपको निकालना है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो जो आपका डिजर्टेशन था, अगर मास्टर्स में डिजर्टेशन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है, मान लो कई क्या होता है कि कई कॉलेज हैं वहाँ पर ये मैंडेटरी नहीं है कि आप डिजर्टेशन करोगे, तो अगर आपको वहाँ पे डिजर्टेशन नहीं है फिर तो कोई बात नहीं। तो अगर, लेकिन अगर आपका थीसिस गया है, एमएससी में थीसिस बाइंड हुई है, तो वहाँ पे आपको अपने थीसिस के मेथड्स, रिजल्ट्स और बायो स्टेटिस्टिक्स जो आपने टेस्ट लगाए हैं, ठीक है, वो एटलीस्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है? इंट्रोडक्शन आप फिर से पढ़ लो एक बार, बस आपका थीसिस है, आप चाहोगे तो 15-20 मिनट में ही पढ़ सकते हो ना, क्योंकि आपने लिखा है अल्टीमेटली, अगर टाइम हो गया तो। फर्स्ट चीज़ तो ये कि डिजर्टेशन आपको क्लियर पढ़ना है, एक बार आपको रन थ्रू करना ही है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मैं बताया, अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं डिपार्टमेंट में उनमें से एक प्रोजेक्ट आपको सेलेक्ट करना है जो आपका इंटरेस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बनेगा, प्रोजेक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा बेसिकली। अब जो ये प्रोजेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, अब यहाँ से आपको, मान लो कि मैं एग्जामिनर हूँ या मैं आपसे पूछूंगा कि ठीक है आपका इंटरेस्ट क्या है, कौन से इस प्रोजेक्ट ने, सारे प्रोजेक्ट हमने किए हैं, आप कौन से लैब को चूज़ करना पसंद करोगे। देखो, ये चूज़ करना वो ना करना वो काउंसलिंग में होती है, लेकिन वो एक होता ना कि मतलब कर्टसी के लिए कि आपको पूछ लेंगे कि ठीक है आप बताओ, तो इनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। कि आप यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट बताते हो कि मुझे प्रोजेक्ट नंबर 5 फलाना, उसका मान जो इफेक्ट ऑफ ये जो टाइटल है वो टाइटल आपको पसंद है, ठीक है, आपने बोल दिया, ठीक, तो ये ऐसा नहीं कि वो आपको फोर्सफुली बोलेंगे कि भाई अब काउंसलिंग में तो मैं यही देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपने बताया तो उनका तालमेल नहीं होता एग्जाम सेक्शन या काउंसलिंग की जो कमेटी है उनसे। तो बस आपको एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके रखना है और उस प्रोजेक्ट को आपको वहाँ बोलना है। जब आप प्रोजेक्ट बोलते हो तो आप क्या करेंगे, उसको स्क्रैच से लेके सब कुछ पूछेंगे वो, ठीक है? हो सकता है पूछे, हो सकता है नहीं भी पूछे, तो हो सकता है वहाँ से पूछे। तो जो आपका होगा उस पर आपका पूरा कमांड होना चाहिए। अगर मान लो आपने कोई प्रोजेक्ट बोला है तो उस प्रोजेक्ट के बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, अगर कोई डिजीज़ है, कोई टेक्निक मेंशन है, तो उसको स्क्रैच से सब कुछ आपको जानना पड़ेगा, ठीक? तो पहली चीज़, तो दूसरी चीज़ तो ये होगी, पहला डिजर्टेशन, दूसरा आपका प्रोजेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? अब बात आती है कि अगर मान के चलो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एडवर्टाइज हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको अपने कैटेगरी में, अगर आपको फेलोशिप अवेलेबल में अप्लाई किया हुआ है तो ऐसा नहीं कि आपको फेलोशिप अवेलेबल वालों वाले ही पढ़ने हैं, ओन फेलोशिप वाले भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है? तो अगर मान लो 10 प्रोजेक्ट है तो उस 10 प्रोजेक्ट्स को आप कोशिश करो कि हाफ हाफ एन आर निकाल के उसके कीवर्ड्स को एटलीस्ट सर्च कर लो। मान लो अगर कोई प्रोजेक्ट है जहाँ लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल ड्रग का नाम दे दिया ऑन द सेरेब्रल पैल्सी पेशेंट्स, ऐसे आपको इसमें कितने कीवर्ड्स मिले, सेरेब्रल पैल्सी, पहले से आपको सेरेब्रल पैल्सी जाना पड़ेगा क्या है, ठीक है? अगर नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी बता रहे हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा जो जो उसके सेरेब्रल पैल्सी के अवेलेबल ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं वो आप एक बार देख लो,
है ना। उसके बाद अगर कुछ ड्रग्स वहाँ पे मेंशन किया, ड्रग्स पढ़ लो। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है जो आप कल बैठ के करोगे, ठीक है। जब ये करोगे तभी आपका होगा। ऐसा नहीं है कि देखो इंटरव्यू में क्या होता है कि आप कहीं के भी इंटरव्यू दो तो वहाँ एक टॉपिक खुलने की देर है, ठीक है। तो अगर मान जो कोई थक गया, अगर वहाँ पर कमेटी में 10 लोग हैं, मैं भी हूँ, अगर मैं पूछ पूछ के थक गया तो अब अगला बंदा जो है वो पूछना स्टार्ट करेगा, अगली फैकल्टी करेगी स्टार्ट। लेकिन जो हमारे इंटरव्यूज़ यहाँ एम्स में पीएचडीज़ के होते हैं तो उनमें क्या होता है कि उनको पूरा राइट दिया जाता है कि क्वेश्चन पूछो जिनके प्रोजेक्ट्स एडवर्टाइज होते हैं। अब मान लो अगर मैंने प्रोजेक्ट डाला है पीएचडी के लिए, मुझे कोई कैंडिडेट चाहिए, तो मैं ऑब्वियसली ये चाहूँगा कि जो मेरा इंटरेस्ट एरिया है, ठीक है, या जिस डोमेन में मैं काम कर रहा हूँ वो बच्चा जाने, ठीक है। तो वो पूछेंगे आपसे वहाँ पर, तो वो टॉपिक के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन बनाएंगे। तो आपके 3 चीज़ हो गए, डिसर्टेशन, आपका प्रोजेक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो सारे प्रोजेक्ट्स एडवर्टाइज हैं उनमें से कोई एक, और जिसको कि बहुत वास्ट पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है, बाकी ऊपर ऊपर से जो है वो आपको सारे प्रोजेक्ट्स के आने चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हो गई अब तक। अब 4th इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने सेक्शन ए में पढ़ा था, ठीक है, आपने सेक्शन ए में पढ़ा था, मान चलो बायोस्टैट रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, कि वो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी भी पूछ सकते हैं या फिर बायोस्टैटिस्टिक्स भी पूछ सकते हैं। कि मान लो आपको कोई डाटा दे दिया, आपको वहाँ केस दे देंगे कि ये आपका केस है, ठीक है, इस केस में क्या है कि आप क्या करोगे। अगर मान लो आपको कोई ये स्टडी डिज़ाइन करने दे दिया कि 2 जगह आपको स्टैट लगाने हैं, आप कौन सा स्टैट लगाओगे, RCT है तो कौन सा स्टैट लगाओगे, तो ये सब वो पूछ सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा कमांड होना चाहिए यहाँ पे। और इसके अलावा जो 5th एंड लास्ट इंपॉर्टेंट है वो डिसिप्लिन। अगर मान लो आप डिसिप्लिन, मतलब ये वो डिसिप्लिन नहीं, ये डिसिप्लिन कि अगर आप पैथोलॉजी में भरा हुआ है फॉर्म आपने, तो वहाँ पे आपको पैथोलॉजी में जो जो टेक्निक्स आते हैं, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री हो गया, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी हो गया, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। बी साइड्स द थ्योरी पार्ट जो आपने सेक्शन बी में पढ़ा था, उसके अलावा आपको टेक्निक्स बेसिकली कवर करनी है। मेनली वो जानना, देखो पीएचडी क्या है, एमएससी में क्या होता है कि आपको अगर एमएससी में कहीं एंट्रेंस दे रहे हो या इंटरव्यू है तो वहाँ वो थ्योरी पार्ट ज़्यादा जानना चाहते हैं। लेकिन पीएचडी में क्या है कि यहाँ पे आपको जानते हैं कि आप कितना टेक्निक जानते हो। अगर आप पोस्ट डॉक भी करने जाते हो तो क्या पूछते हैं वो कि आपको टेक्निक कितनी आती है। तो यहाँ पे आपको बस टेक्निक्स पे कमांड करना है। अगर फिजियोलॉजी में हो तो फिजियोलॉजी के सारे टेक्निक्स पढ़ लो, EEG EMG जो जो है ये सब पढ़ लो। अगर आप मानो न्यूरोलॉजी में जा रहे हो, न्यूरोलॉजी के सारे टेक्निक्स पढ़ लो, जैसे कि नर्व वेलोसिटी हो गया, कंडक्शन वेलोसिटी हो गया, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा MRI वगैरह पढ़ लो, CT स्कैन क्या होता है, ये सब आप, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि मेडिकल रिसर्च है, तो आपको बेसिक हेल्थ के पेशेंट केयर में जितने भी टेक्निक्स डायग्नोसिस के लिए यूज़ होते हैं वो एटलीस्ट आपको जानना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप कवर करके चलोगे। तो मैंने 5 चीज़ें बताई, फिर से रिवाइज कराता हूँ आपको। डिसर्टेशन जो आपको करने हैं कवर, अपना प्रोजेक्ट ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लो, उसको एकदम अच्छे से निकाल दो, उसका बाल के खाल निकालते हैं वो निकाल दो। प्लस 3rd इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको जितने भी नोटिफिकेशन में, प्रॉस्पेक्टस में प्रोजेक्ट एडवर्टाइज हुए हैं उस डिपार्टमेंट के, उस मैटर नहीं करता कि प्रोजेक्ट फेलोशिप है या ओन फेलोशिप है, सारे आपको अच्छे से पढ़ने हैं। कीवर्ड सर्च करके आप एक नोट्स बना लो A4 शीट में, ठीक है। 3rd ये हो गया, और 4th इंपॉर्टेंट आपका है कि बायोस्टैट प्लस रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको अच्छे से कवर करनी है, वो पूछ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है बायोकेमिस्ट्री में आप बैठो तो कभी कभी, पहले तो ये होता था कि न्यूमेरिकल आपको दे देते थे कि M1V1 वाला फॉर्मूला लगा के स्टॉक वॉल्यूम ये है ये है, बना करके दिखाओ। तो यहाँ पे इस चीज़ से आप बच जाते हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, कि आपको वो ज़्यादा कुछ पूछते नहीं है, जो भी होता है वर्कआउट करने नहीं देते वहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और 5th इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका, आपके सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए, वो ऑब्वियसली होगा, आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है तो सेक्शन बी आपने अच्छे से पढ़ा ही होगा। लेकिन इसके अलावा टेक्निक्स कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो टेक्निक्स को कवर करके चलो, और खासकर उस डिपार्टमेंट के टेक्निक्स, कुछ कॉमन टेक्निक्स हैं वो आपको जानने हैं, RT-PCR वगैरह हो गया, PCR हो गया, है ना। तो उसके बाद फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी हो गया, तो ये लगभग हर डिपार्टमेंट में करते हैं, तो इनको आपको पता है, वेस्टर्न ब्लॉट हो गया, नॉर्दर्न ब्लॉट हो गया, सदर्न ब्लॉट, ये सब हर डिपार्टमेंट में करते हैं। तो बेसिक्स इसका, प्रिंसिपल मैकेनिज्म एंड एनालिसिस, ठीक है, ये आपको करने हैं। जब इतना आप कर लोगे तो ऑब्वियसली आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस फील करोगे, और फिर आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो आपका वहाँ पे बेसिकली क्या, डरना नहीं है। बहुत लोग डर जाते हैं, एम्स के नाम पे डरना ज़रूरी भी है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप डर जाओ। वो भी फैकल्टीज़ हैं, ठीक है, उनको अपने बच्चे सेलेक्ट करने हैं, ऑब्वियसली उनको सेलेक्ट करेंगे जो जिनका बैकग्राउंड वैसा हो और जो डेडिकेटेड हो, तो वो आप उनको पता चल जाता है। एक बार आप 5 मिनट का इंटरव्यू है तो उसमें पता चल जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे बिल्कुल नर्वस नहीं होना और कॉन्फिडेंटली जवाब देना है। गलत जवाब बिल्कुल भी नहीं देना, मैं बार बार बोलता हूँ, ना देना अच्छा है, लेकिन गलत जवाब नहीं देना। स्क्रू अप नहीं करना है लोगों को, है ना, क्योंकि वो देखो बहुत बड़े हैं, फैकल्टीज़ हैं वो यहाँ पे, तो वो उनको आप स्क्रू अप नहीं कर सकते।
तो ये चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है। बाकी आपको कुछ नहीं नहीं आता तो बोल दो कि नहीं आता मुझे, या अगर थोड़ा बहुत उसका बैकग्राउंड पता है तो बोल दो कि इतना आता है मुझे, इससे ज़्यादा नहीं आता, लेकिन आप स्क्रू अप मत कर, ठीक है। ये तीन चार चीज़ें हैं जो एक लास्ट मोमेंट टिप था, तो आप इसको अच्छे से देख लो एक वीडियो को, शायद ये 10 मिनट का वीडियो आपको काम आ जाए, है ना। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू।